जेएलएन अस्पताल में पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ ही कई मरीज भी हो रहे हैं ठीक। अजमेर जेएलएन अस्पताल में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही मरीजों की ठीक होने की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जहां आज जेएलएन अस्पताल में 2 बजे तक की रिपोर्ट में 7 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने बताया कि आज जो पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 पॉजिटिव मरीज मोची मोहल्ले से आए हैं, जिनके सैंपल लिए गए थे, उसमें वह नेगेटिव आए थे और उनको क्वारंटाइन कर रखा था। वहीं उनके एक बार फिर सैंपल लिए गए, जहां उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और वहीं एक पॉजिटिव मामला कमला बावड़ी से आया, तो वहां एक पालरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया से सामने आया है, जहां आज पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जेएलएन अस्पताल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 244 से अधिक हो चुकी है। वहीं उन्होंने बताया कि साथ ही अस्पताल में मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है, जहां अब तक 120 पेशेंट ठीक हो चुके हैं और इनमें से 34 पेशेंट को क्वारंटाइन सेंटर से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक अस्पताल में 116 एक्टिव पॉजिटिव केस और भी हैं, जिनका भी इलाज किया जा रहा है। जो आपकी जानकारी है उसके बाद अभी कोई नया मामला नहीं आया है, और अब तक के जो पुराने 4 मामले जो आप लोग बता रहे हैं, वो चारों मामले हमारे जो पुराने जो साथी थे मोची मोहल्ला के, जिनको हमने फर्स्ट डे सैंपल किया था और उसके बाद में जो क्वारंटीन गए, उसके रिपीट टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। तो वो भी कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लंबे टाइम से आइसोलेशन में थे और उन्होंने अब तक कोई ऐसा कोई लक्षण भी नहीं है। तो रिपीट टेस्ट कभी कभी इंक्यूबेशन पीरियड को जो क्रॉस करते हैं तब आ जाता है पॉजिटिव, तो उनको लेकर भी कोई चिंता वाली बात नहीं नज़र आती है। अच्छी बात यह है कि अब तक हमारे पास में जो एक्टिव केस जिसको गवर्नमेंट डिफाइन करती है, वो सिर्फ 116 ही रह गए हैं। अजमेर में एक्टिव केस 116 हैं और हमारे काफ़ी मतलब आप मानिए आप हमारे 120 पेशेंट हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं हमारे यहाँ से कुल मिला के, और जो काफ़ी सारे मरीज हमारे जो हैं वो वहाँ से क्वारंटीन सेंटर से भी डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं, यानी कि पूर्णतः कोरोना मुक्त हो चुके हैं। हमारे अभी तक भी हमें कोई विशेष नुकसान हमें नहीं हुआ है। कुल मिला के 5 मरीजों को हमने खोया है, लेकिन वो 5 मरीज उनका कुछ ना कुछ कारण रहा, एज सच कोरोना की वजह से कोई भी हमने अभी तक अगर माने तो विशेष जनहानि हमारी नहीं हुई है। सर, जो पालरा में वो जो पालरा का पेशेंट है जो रिको एरिया का है, उसके हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली है। वो भी कोई ट्रैवलर ही है, जो भी अभी तक की मिल रही जानकारी में कि वो प्रवासी है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, शाम तक हम आपको उसको बोलिए अपडेट कर देंगे। कुल आंकड़ा आपने कितना जोड़ रखा है? 43 में 6 और जोड़ दीजिए फिर आप। हमारे अस्पताल में अब तक कुल 244 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें कई अन्य जिलों के भी लोग व्यक्ति शामिल हैं, और कुल मिला के हमने 5 लोगों को खोया है, जैसे मैं बता चुका हूँ। और उनमें से कोई ऐसा सच मैंने बता चुका हूँ कि हमारे ऐसा सच कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोरोना की वजह से डेथ हुई, कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी रही थी। एक तो अनफॉर्चुनेट बच्ची हमारे पास में आई जब तक कि शांत हो चुकी थी। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो क्वारंटीन सेंटर से भी 34 लोग पूर्णतः ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ईश्वर ने चाहा तो और भी जल्दी ये संख्या बहुत बढ़ेगी, क्योंकि अब जो हमारे मरीजों के ठीक होने की रफ्तार काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी बस हम जो कुछ व्यक्ति तो हमारे इस वजह से अटके हुए हैं कि जैसे माँ और बच्चे साथ साथ हैं, 2 माह की बच्ची है, माँ और माँ भी है, तो माँ की रिपोर्ट पॉजिटिव है, बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन दोनों को हम साथ ही भेज सकते हैं, पिता ने मना कर दिया कि बच्चे को मैं नहीं रख पाऊँगा। इस चक्कर में हमारे कई सारे मरीज अभी भी रुके हुए हैं, 10-11 मरीज ऐसे हैं जो एक व्यक्ति है, उनका भतीजा जो है वो अभी पॉजिटिव चल रहा है, बोले मैं बिना भतीजे के नहीं जाऊँगा, इस तरीके से है, वो नहीं जाना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी ये संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी हमारी डिस्चार्ज होने वाली, और वहाँ से घर जाने वाली संख्या भी बढ़ जाएगी। अभी तक की स्थिति हमारे लिए अच्छी है, चीज़ें कंट्रोल में हैं, और ईश्वर ने चाहा तो ये संख्या हम और भी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त कर पाएंगे।